हम उसमें डाल दिए हैं, मीडियम आंच करके इसको हम फ्राई करेंगे और सारे गुजिया को निकाल लेंगे। तेज आंच पे आप नहीं फ्राई कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम सारी गुजिया को अच्छे से तलेंगे, फ्राई करेंगे। होली का दिन है, देखिए मेरा आधा गुजिया फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। इसी तरह हम सारा गुजिया फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी गुजिया बनाइए और होली का दिन है, अच्छे से मनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पूरा पूरा देखिए कि गुजिया कैसे बनता है। हमारे यहाँ इसी तरह से गुजिया बनाया जाता है। तो होली का ये स्पेशल पकवान है, बिहार साइड में ये ज़रूर बनता है। 7 दिन तक चलता है, होली 7 दिन तक खेली जाती है, सॉरी खेली नहीं जाती है, मिलन 7 दिन तक होता है। आप लोग भी बनाइए बिहारी स्टाइल में गुजिया, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा लगभग सभी गुजिया निकल चुका है अब। तो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आ गया है और आज है छोटी होली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया बहुत ही होली का स्पेशल डिश है और बिहार में होली 6 से 7 दिन तक खेली जाती है। तो हम लोग के यहाँ ड्राई नाश्ता, गुजिया वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो आज मैं अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स खोआ चाहिए। तो ये मेरा 1.5 केजी खोआ है और इसको पहले हम भून लेंगे अच्छे से सिम आँच पे। देखिए ये घी पूरा छोड़ दिया है, तो इसको हम भुनेंगे और भुनने के बाद इसको ठंडा करके रखेंगे। फिर इसमें बाकी मटेरियल हमें मिलाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम इसको भून लेते हैं अच्छे से ताकि ये इसका घी पूरा निकल जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा वर्मा, जायका शिखा की रसोई से आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके घर में खुशियाँ आए, रंगों की और त्योहारों की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। तो चलिए इस पावन पर्व पे हम आपको दिखाते हैं गुजिया। तो आज वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन आने वाली है भुवनेश्वर से, होली में आएगी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं गुजिया बना रही हूँ, ये मैं दिखा देती हूँ। गुजिया का पूरा प्रोसेस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, जायका शिखा की रसोई में पूरा आपको मैं दिखाने वाली हूँ, पूरा रहेगा रेसिपी कैसे कैसे बना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुजिया जो मैं बनाने वाली हूँ, ये खोआ मेरा पूरा भुन गया है, बहुत लाल नहीं करना है, हल्का सा भुनना है। तो बहुत ही फ्रेश खोआ है, तो ये भुन चुका है और अब मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसमें ड्राई चीनी, पिसा हुआ चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये 1 किलो मैदा है और इसमें हम 1 कटोरी रिफाइंड डालेंगे मोयन के लिए। 1 कटोरी में मतलब 4 टेबल स्पून बड़े साइज का चम्मच, वो आपको डाल देना है रिफाइंड, बस
ये कटोरी है। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, इसको तब तक मिलाना है, मिला इसको तब तक मिलाना है जब तक आटा और रिफाइंड दोनों मिल नहीं जाता है। और लड्डू का शेप आप बनाकर देखिए, इसको मिलाइए और मिला करके इसका अच्छे से इसको मोहन देना है। हाथ से बना के देखिए कि ये लड्डू बन पाता है कि नहीं, और जब आपके हाथ में लड्डू जैसा आ जाएगा तो आप समझिए ये आटा गूंथने के लिए रेडी है। इसको मिलाते हैं, एंड डाल के ये आटा रेडी है। अब इसको हम गरम पानी में, थोड़ा सा सुसुम पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके इसको हम एक दूध रेडी कर लेंगे, और ज़्यादा ना सॉफ्ट रहेगा ना ज़्यादा टाइट रहेगा। तो डो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रेडी करना है। फ्रेंड्स देखिए मेरा डो रेडी है, और इसको हम 10 से 15 मिनट आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, आधे घंटे के लिए। तो देखिए दोस्तों गुजिया का मसाला कैसे बनता है। तो खोआ जो है, खोआ में हम ये पिसा हुआ चीनी, इसको मैं पीस दी हूँ, और आधा कप नारियल का पाउडर, चाहे बुरादा जो भी आपको मिले, और 8 से 10 छोटी इलायची का पेस्ट, इसको आप डाल करके चीनी स्वाद अनुसार आप डाल करके मिला लीजिए। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा रवा भी मिलाई हूँ, हल्का सा आधा कप रवा है, जिससे कि गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी मिलाइए। और ये पूरा खोया जो है मैं इसमें डाल दूंगी अभी, और उसके बाद ये मेरा गुजिया का मिश्रण पूरा बन के रेडी है। सिर्फ इसको भरना है और फ्राई करना है, तलना है। तो ये तो मेरा रेडी हो गया है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं इसका आटा कैसे सानते हैं। गुजिया के लिए आपको हम बताए थे, तो अभी हम सबसे पहले देखिए ये आटा है, इसका जो डो बना के रखे थे ये रेस्ट ले लिया, आधे घंटा हो गया। और अब हम ऐसा लोई बना लेंगे और इस तरह से बेलेंगे, और उसके बाद इसमें हम भरेंगे। सबसे पहले आप ऐसे रखिए, और इसको आप अंगूठे से ऐसे दबाइए, इसको दबा करके ऐसे लेकर आइए, और उसके बाद अगर आपके पास मशीन है, कटर वाली मशीन है काटने वाली, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हाथ से भी बनाते हैं। देखिए हम हाथ से आपको दिखाते हैं, इसको आप ये नेम से इसको ऐसे दबा दीजिए, इसको ऐसे दबाते हुए ले आइए। ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से बनेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसी तरह हम आपको ये हाथ
तो फ्रेंड्स अभी हम गुजिया को फ्राई करेंगे। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है और गुजिया भी अभी हम उसमें डाल दिए हैं। मीडियम आंच करके इसको हम फ्राई करेंगे और सारे गुजिया को निकाल लेंगे। तेज आंच पे आप नहीं फ्राई कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। इसी तरह हम सारी गुजिया को अच्छे से तलेंगे, फ्राई करेंगे। होली का दिन है, देखिए मेरा आधा गुजिया फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। इसी तरह हम सारा गुजिया फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी गुजिया बनाइए और होली का दिन है, अच्छे से मनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा पूरा देखिए कि गुजिया कैसे बनता है। हमारे यहाँ इसी तरह से गुजिया बनाया जाता है। तो होली का ये स्पेशल पकवान है, बिहार साइड में ये ज़रूर बनता है। 7 दिन तक चलता है, होली 7 दिन तक खेली जाती है, सॉरी खेली नहीं जाती है, मिलन 7 दिन तक होता है। आप लोग भी बनाइए बिहारी स्टाइल में गुजिया, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए। मीडियम आंच करके इसको हम फ्राई करेंगे और सारे गुजिया को निकाल लेंगे। तेज आंच पे आप नहीं फ्राई कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम सारी गुजिया को अच्छे से तलेंगे, फ्राई करेंगे। होली का दिन है, देखिए मेरा आधा गुजिया फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। इसी तरह हम सारा गुजिया फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी गुजिया बनाइए और होली का दिन है, अच्छे से मनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा पूरा देखिए कि गुजिया कैसे बनता है। हमारे यहाँ इसी तरह से गुजिया बनाया जाता है। तो होली का ये स्पेशल पकवान है, बिहार साइड में ये ज़रूर बनता है। 7 दिन सारी गुजिया मैंने फ्राई कर ली है, मेरी सारी गुजिया फ्राई हो चुकी है। मेरा गुजिया का पकवान बन गया है, होली का पकवान बन गया है। सुबह के 5 बज रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल, आप सभी को होली की बहुत 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 बधाई हो। और आज आप लोग गुजिया बनाइए, फ्रेंड्स को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और होली का त्यौहार अच्छे से खुशी से मनाइए। आप सब लोग के घर में होली का त्यौहार खुशियाँ लेकर आए, यही भगवान से प्रार्थना है। और मेरा चैनल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर मेरा डिश आप लोग को पसंद आए तो। आई होप मेरा डिश ज़रूर आप लोग को पसंद आएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपकी होली यादगार बन जाएगी, क्योंकि ये इतना इजी प्रोसेस है कि अच्छा बनेगा ही बनेगा, अब बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, यहीं पे रखती हूँ। दूसरे वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, किसी दूसरे रेसिपी के साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स।